हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द चित्रा साइंस हब हमारा आज का टॉपिक है एडजॉप्शन एडजॉर्प्शन क्या है हमारा द टेंडेंसी ऑफ एकोमुलेशन ऑफ ए मोलिकुलर स्पीशीज एट द सरफेस देन इन द बल्क ऑफ ए सॉलिड स्टम एज एडजॉर्प्शन एड्जॉर्प्शन क्या है किसी भी मोलिकुलर स्पीशीज की वो आपका मोलिक्यूल कोई भी हो सकता है गैस का मोलिक्यूल हो सकता है लिक्विड का मोलिक्यूल हो सकता है उसकी आपकी किसी भी सरफेस के ऊपर एक्मुलेट होने की टेंडेंसी को एडजॉर्प्शन कहा मतलब बल्क के बजाय आपका वो सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाए इस चीज़ को हमने कहा एड्जॉर्प्शन द सब्सटांस दैट डिपोजिट एट द सर्फेस इज कॉल्ड एड्जॉर्बेट एंड द सॉलिड ऑन विच ऑन हुज हुफेस द डिपोजिशन अकर्स इज कॉल्ड एड्जॉर्बेंट वो सब्सटांस जो डिपोजिट होता है उसे तो हमने कहा एडजॉर्बेट और जिसके ऊपर एड्जॉर्ब होता है उसे हमने कहा एड्जॉर्बेंट जैसे कि गैसेस जैसे हमारी सी एल टू एन एस थ्री और एसो टू इन्हें यदि हम एनक्लोज कर दें पाउडर चारकोल के चारकोल के साथ एक क्लोज वेसल में तो जो गैस प्रेशर हमारा डिक्रीज हो जाता है द गैस मॉलिक्यूल क्यों हो जाता है द गैस मोलिक्यूल और एबजॉर्ब एड़ एट द सर्फेस ऑफ चारकोल तो जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं कौन सी गैस सी एल टू एन एस थ्री एस ओ टू ये सब के सब हमारी क्या है चारकोल की सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं इसलिए जो है गैस का प्रेशर कम हो जाता है तो ये हमारा एडजॉर्प्शन हो गया एड्जॉर्प्शन क्या है हमारा सरफेस फेनोम है कि जो एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल है वो बल्क में पेनिट्रेट ना होकर के, केवल सरफेस पे एडजॉर्ब होते हैं इसे हमने कहा एड्सॉप्शन अब डीजॉप्शन क्या है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एड्सॉर्ब सबस्टांस फ्रॉम अ सर्फेस ऑन विच इट इज एड्सॉर्ब इज कॉल्ड डिजॉप्शन यदि एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल वापस से फिर से डिजॉर्ब हो जाए इस फिन को कहा डिजॉपन मतलब रिमूवल जो आपका सब्सटांस एब्जॉर्ब हुए उनका वापस से रिमूवल होना इसे हमने कहा डिज अब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या अंतर है हमारा ये वर्ड एब्जॉर्प्शन है एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन तो एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या अंतर है एडजॉर्प्शन तो है हमारा सरफेस फिनोमिनन एब्जॉर्प्शन है बल्क फेमिन जब कोई चीज़ केवल सरफेस पे एब्जॉर्ब होगी सरफेस पे ही एकोमोलेट होगी इस चीज़ को कहा हमने एड्जॉर्प्शन और जब वो हमारी क्या है बल्क में अंदर पेनिट्रेट हो जाएगी इस चीज़ को कहा हमने एब्जॉर्प्शन एड्जॉर्प्शन इंप्लाइज डिपोजिशन एट द सर्फेस जब केवल चीज सर्फेस पे एड्जॉर्ब हो उस चीज़ को कहा एडजॉर्प्शन वाइल एब्जॉर्प्शन इंप्लाइज पेनिट्रेशन इन टू दॉ बॉडी ऑफ द सॉलिड जब सॉलिड के अंदर आपकी कोई चीज़ अंदर, अंदर एकोमुलेट हो जाए इस चीज़ को हमने क्या कहा ब्जॉप जैसे आपका जो चौक होती है ब्लैकबोर्ड पर लिखने वाली इसे मेरी इंक के अंदर डाल दें तो हम देखते हैं उसे अंदर से उसे चौक को तोड़ के देखो तो अंदर से वाइट ही रहती है बाहर से नीली हो जाती है तो ये हमारा एडजॉर्प्शन है कि उसके मॉलिक्यूल जो है वो सर्फेस पे ही हमारे क्या है एब्जॉर्ब हुए हैं बोथ एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली दोनों हमारे साथ साथ चलते हैं मतलब एकदम से एब्जॉर्प्शन नहीं होता पहले चीज़ सरफेस पे एब्जॉर्ब होती है फिर बल्क में पेनिट्रेशन होता है फिर वो बल्क में अंदर जानी शुरू होती है तो आपका जब जब भी एब्जॉर्प्शन होता है तो पहले एब्जॉर्प्शन होता है पहले जो है सबस्टांस है वो सर्फिस वैकूमुलेट होता है उसके बाद अंदर पेनीट्रेट होता है मैक ब्रेन इंट्रोड्यूसड न्यू टर्म्ड सॉप्शन टू डिस्क्राइब बोथ द प्रोसेस दोनों प्रोसेस को

दैट इज इट ए फास्ट प्रोसेस वाइल एब्जॉर्प्शन इज अ स्लो प्रोसेस एकदम से चीज़ चूंकि अंदर तक पेनिट्रेट नहीं हो सकती तो एब्जॉर्प्शन तो हमारा फास्ट प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन क्या है स्लो प्रोसेस है कि आपकी चीज धीरे 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 वो अंदर बल्क में पेनिट्रेट होनी शुरू होती है तो ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन नेक्स्ट वीडियो में हम इसका मैकेनिज्म और इसके टाइप्स डिस्कस करेंगे तब तक के लिए थैंक यू